धौलपुर में तेज धूप और गर्मी ने आम जन की दिनचर्या काफी प्रभावित की है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में दिन में सन्नाटा पसर जाता है। वहीं लू के थपेड़ों से उल्टी दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जिसे जिले के सरकारी अस्पतालों सहित निजी क्लिनिकों पर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र की सेम्पो सीएससी के हालात जाने तो मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पंकज मलिक ने बताया कि अस्पताल का आउटडोर लगभग फुल चल रहा है। मौजूदा समय में तेज धूप और लू लगने से उल्टी दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसे लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क है। हमारे यहाँ पर जो है गर्मी को देखते हुए सभी वार्डों में पंखों की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था भी करवाई जा रही है और अभी जो है गर्मी की वजह से पेशेंट की संख्या में वृद्धि हुई है। ज़्यादातर पेशेंट उल्टी और दस्त के आ रहे हैं जिसके लिए हमारे यहाँ पर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।